शोरूम के गोदाम से लाखों रुपए कीमत के कपड़े चुराने वाले गिरोह को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने इस वारदात में शामिल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 17 बंडल कपड़े जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है और 24,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिरों के नाम फहीम जीशान, आशीष तिवारी और विवेक तिवारी है। बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को इन शातिरों ने गोदाम से कपड़े चुराए और फिर चुराए गए कपड़ों को बाजार में सेल लगाकर सस्ते दामों में बेच रहे थे। 3 और 4 की रात्रि में थाना एमएम गेट के प्रगति माल में के गोदाम में कपड़ों के बंडल चोरी हुए थे। उस संबंध में मुकदमा लिखकर उसके बाद उसकी पतारसी सुरागरसी की गई तो उसमें 4 चोरों का शामिल होना पाया गया, जिसमें से एक चोर की गिरफ्तारी कर ली गई विवेक तिवारी नाम के, और बाकी 3 लोग जो इनके कपड़े खरीदने वाले थे और उनको खरीद कर बेचने वाले थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2 लाख के आसपास के 17 बंडल हैं जिनमें कपड़े हैं और 25-26 हज़ार की नकद धनराशि। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कुल मिलाकर 4 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें से एक वो चोर है जिसने चोरी की थी, 3 चोर फरार हैं और 3 लोग वो हैं जिन लोगों ने इनसे माल खरीदा था। चोर बेसिकली ये भी बेचने वाले हैं, कुछ लोग जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है खरीदार और बेचने वालों को, ये इनका काम भी कपड़े का काम है। ये लोग चोरी का माल खरीद के और दूसरे जगह को सप्लाई कर देते हैं कपड़ा, चूँकि जब पता इस तरीके से चला मार्केट में, पता चला कि बहुत सस्ता माल आया हुआ है और लोग खरीद रहे हैं उसको। उसी अपराधी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनमें। बेसिकली एक तो इनका नौकर है जो मेन चोर है, वो इनका नौकर निकला। पता कैसे चल पाया कि ये कपड़े सस्ते जो बेच रहे थे, कैसे क्या ये बात है? मार्केट में ये अफवाह चली कि बहुत ही सस्ती टी शर्ट और लोअर सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। चूँकि एक रात पहले ही हमारे यहाँ चोरी हुई थी टी शर्ट की लोअर की, तो उस संबंध में जब जाँच की गई, मालिक को बुलाया गया तो पता चला कि उसी के यहाँ की चोरी है। फिर उसको पकड़ के पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारा पूरा मामला खुलासा हुआ। इस बात की जानकारी मुखबिर के जरिए पुलिस को मिली तो पुलिस टीम ने वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोर विवेक तिवारी और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कोतावली का कहना है कि इस गिरोह में शामिल 3 अन्य बदमाश अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। प्रातः दर्पण के लिए हिना बघेल की रिपोर्ट।